काँग्रेसने पुकारलेल्या भारत बंदला नक्षलग्रस्त कोरची तालुक्यात उत्स्फूर्त प्रतिसाद. बंद 100% यशस्वी पार पडला. भाजपच्या केंद्र व राज्यातील सरकारच्या धोरणामुळे सामान्य जनता संकटात सापडली आहे. दररोज वाढणाऱ्या महागाईमुळे जगणे मुश्किल झाले आहे. पेट्रोल व डिझेलची दरवाढ नित्याचीच झाली आहे. बेरोजगारीमुळे कोट्यावधी तरुण हतबल झाले आहेत. देशाच्या सार्वभौमत्वावर व घटनेवर हल्ले होत आहेत. महिलांची सुरक्षा धोक्यात येत आहे. या सर्व बाबतीत पर्याय शोधण्यास भाजपचे केंद्र व राज्य सरकार सपशेल अपयशी ठरलं आहे. याचाच निषेध नोंदवण्यासाठी काँग्रेस पक्षाच्या वतीने सोमवार दिनांक 10 सप्टेंबर रोजी भारत बंदचे आवाहन करण्यात आले होते. या बंदमध्ये तालुका व शहरातील समविचारी, पुरोगामी विचारांच्या पक्ष व संघटना, नागरिक, व्यापारी, शैक्षणिक संस्था, कार्यकर्ते आदींनी सहभाग नोंदवला. यावेळी महागाई प्रतिकात्मक पुतळा तयार करून जाळण्यात आला. तसेच हातगाडीवर मोटारसायकल ठेवून धक्का देत होते. आजपर्यंत काँग्रेसचा काळ असताना आम्हा महिलांना जो अधिकार, मान सन्मान मिळत होता तो आज या राम कदम यांनी अजिबात विस्कळून काढला आहे. महिलांवर होणारे अत्याचार, महिलांवर होणारे बलात्कार यांच्या विरोधात त्यांनी अपमानित केलेला आहे. महिलांना जो मिळणारा दर्जा होता तो त्याच्या मनातून बिलकुल विस्कळून काढलेला आहे. आणि हा महिलांचा जर असा प्रकरण घडत चालला समोर तर हा आम्हा महिलांवर अतिशय गंभीर परिस्थिती येण्याचा काळ येईल असं मला वाटते. अशा लोकांना या आपल्या भारत देशातून हाकलून काढण्याचा आम्ही प्रयत्न करू. आणि सरकारची मुझको इतनी महंगाई नहीं थी, इतना ये भ्रष्टाचार नहीं था, उससे ज़्यादा अभी हो रहा है. मोदी जी ने चुनाव के वक्त अच्छे दिन का सपना सबको, देशवासियों को बताया था, परंतु अच्छे दिन आए नहीं. महिलाओं के खाते में, जनधन योजना के खाते में 15 लाख रुपये डालने का भी उन्होंने ऐलान किया था, मगर किसी के घर में 15 लाख नहीं हुए, 15 रुपये भी जमा नहीं हुए. आज देश में, देश की परिस्थिति ऐसी हो रही, डीजल और पेट्रोल महंगाई के कारण में गरीबों का चूल्हा अभी एक टाइम अच्छे जलेगा या नहीं जलेगा उसका कोई भरोसा भी नहीं लग रहा है. महंगाई बढ़ेंगी और देश की हालत GST और टैक्स लगाने से व्यापारियों की हालत भी ख़राब हो गई है. व्यापार कम हो गया है, महंगाई बढ़ी हुई है और लोग त्रस्त है. और मोदी सरकार ने ये भी आश्वासन दिया था कि मैं सभी लोगों को अपने महाराष्ट्र शासन ने भी आश्वासन दिया कि सभी के कर्जे, जितने जुने कर्जे हैं, माफ़ कर देंगे. मगर आज तक के अभी देखने में नहीं आया है कि कर्जे माफ़ हुए और दोबारा उनको कर्जे दिया गया. लोग चक्कर लगा रहे हैं बैंकों के, मगर वो आज 30-35% भी कर्ज दिए या नहीं दिए इसका कोई. जब तक के BJP सरकार रहेगी तब तक के आम जनता, भाई बहनों को त्रास होगा. अत्याचार, बलात्कार ये बढ़ रहा है, इसमें रोक होनी चाहिए. ये सरकार जब तक के रहेगी तब तक के रोक लगाने की कोई संभावना नहीं है. और लोगों को त्रास हो रहा है, जैसे बेरोजगारी के लिए कहे हैं कि रोजगार देंगे, रोजगार अभी तक किसको नहीं मिला है. हाँ, और बहुत सारे वादे किए हैं, वो वादे में वो पूरे काम नहीं किए हैं, इसलिए हम विरोध करते हैं और जोरदार विरोध करेंगे. और ये तो देश में रहने लायक नहीं है, देश में भगाने लायक है, ऐसे काम कर रहे हैं, ऐसा सरकार नहीं होना चाहिए, हमारा ये कहना है.